नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की, एडिटर्स गिल्ड के राहुल गांधी को पत्र की, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कावड़ यात्रा के विवाद को, महाराष्ट्र में एनडीए को लगे झटके को, जानेंगे बिहार एनडीए में पड़ती दरार को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे शहीद दिवस पर ममता अखिलेश की रैली को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा ट्रेन हादसे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रेल विभाग कमजोर हो गया है। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 23 जुलाई को होगी सुनवाई। व्यास जी के तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई। नीट परीक्षा धांधली मामले में 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। 18 जुलाई को कोर्ट ने एनटीए को सभी छात्रों के रिजल्ट्स ऑनलाइन जारी करने के दिए थे आदेश। एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने यूएई को 78 रनों से हराया। टीम इंडिया लगातार दूसरी जीत के साथ पहुंची सेमीफाइनल में। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसे बजट सत्र भी कहा जा रहा है। लेकिन इस सत्र के शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार टेंशन में नजर आ रही है। रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जहां विपक्ष ने अपने मुद्दे रखे, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दलों ने भी बड़ी मांग रख दी, जिसके बाद से एनडीए मुश्किल में नजर आ रहा है। सोमवार 22 जुलाई से 18वीं लोकसभा का मॉनसून और बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। लेकिन इस बीच बीजेडी नेता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को याद दिलाया कि उड़ीसा में 2014 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया गया था, जिस पर अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी है। तो वहीं कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद की मांग की, साथ ही नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो। सपा नेता रामगोपाल यादव ने यूपी कावड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाते हुए इसे पूरी तरह से गलत बताया। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए से जीतनराम मांझी और जयंत चौधरी भी बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि विपक्ष से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इसमें नहीं आई। पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को चिट्ठी लिखकर बताया कि उनकी पार्टी का कोलकाता में कार्यक्रम है, इसीलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक मानसून सत्र के दौरान संसद अच्छे से चलाने के लिए बुलाई जाती है। विपक्ष और सरकार के बीच कुछ मुद्दों को लेकर हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है, इसीलिए संसद में हंगामा होता है और सत्र ठीक से नहीं चल पाता है। मानसून सत्र से पहले सहयोगी दलों की मांग ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो मांग एडिटर्स गिल्ड ने भी की है। देश में मीडिया की स्वतंत्रता दांव पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत लगातार नीचे जा रहा है। कई पत्रकारों पर सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करने पर कार्रवाई हो चुकी है, यहां तक कि यूएपीए तक लगाया गया है। और अब इसे लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी से मदद मांगी है। गिल्ड की तरफ से राहुल को चिट्ठी लिखी गई है, तो क्या है इस चिट्ठी में, देखिए ये रिपोर्ट। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी जनता की आवाज बन चुके हैं, जिसकी वानगी पिछले दिनों देखने को भी मिली। अब देश में पत्रकारिता पर बढ़ते सरकारी दबाव और इसकी स्वतंत्रता को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। गिल्ड ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर राहुल गांधी से समर्थन मांगा है। गिल्ड ने मांग की है कि राहुल प्रेस स्वतंत्रता के मुद्दे को संसद में उठाएं। बता दें कि एडिटर्स गिल्ड देश के तमाम संपादकों की शीर्ष संस्था होती है। इस संस्था ने देश पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति और इसकी आजादी को लेकर चिंता जाहिर की है। गिल्ड ने चिट्ठी में लिखा है कि हाल के वर्षों में पत्रकारिता की बुनियादी स्वतंत्रता को कई सरकारी विधायी उपायों के कारण खतरों का सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन स्पेस, ब्रॉडकास्ट, प्रिंट और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कई विधायी कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ को पहले ही संसद में पारित कर दिया गया है, जबकि अन्य विधेयकों के रूप में किए गए हैं। इसके साथ ही लेटर में ऑनलाइन स्पेस, प्रसारण क्षेत्र, दूरसंचार और प्रिंट मीडिया को प्रभावित करने वाले हालिया कानूनों का भी हवाला दिया गया है। लेटर के अंत में लिखा गया है कि एडिटर्स गिल्ड का अनुरोध है कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों को आप संसद में उठाएं और उन संशोधनों का समर्थन करें जो प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित कर सके। पत्रकार उनके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं,
10 साल के बीजेपी के कार्यकाल में पत्रकारों की आजादी खतरे में नजर आई, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो विवाद कांवड़ यात्रा को लेकर भी बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ विपक्षी दल लगातार योगी सरकार के इस यात्रा के मार्ग में दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के आदेश की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो कब होगी मामले में सुनवाई, क्या है पूरा विवाद, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर बीजेपी विभाजनकारी राजनीति के आरोपों से घिरती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली सभी दुकानों पर दुकानदारों को अपना नाम लिखने के आदेश दिए हैं। सरकार के इस फैसले ने देश के अलग अलग कोने में विवाद छेड़ दिया है। हर तरफ योगी सरकार के इस फैसले की किरकिरी हो रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता भी इस फैसले की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब हमें अपने कुर्ते पर भी बनाने वाले का नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया और अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है और इसे रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है। अब मामले में 22 जुलाई यानी सोमवार को सुनवाई होगी। बता दें सोमवार से ही सावन भी शुरू हो रहा है, ऐसे में सबको इंतजार अब कोर्ट के फैसले का है। तो वही दुकानदारों ने भी इस आदेश से डील करने का नया तरीका खोज निकाला है। इन दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे मोहब्बत की दुकान का पोस्टर चस्पा किया है। इस पोस्टर पर मोहब्बत की दुकान लिखे होने के साथ साथ राहुल गांधी की फोटो भी लगी है और नीचे लिखा हुआ है नो हिंदू मुसलमान। इस दिलचस्प पहल का श्रेय ये दुकानदार राहुल गांधी को दे रहे हैं। विपक्ष ने योगी सरकार के इस फैसले को सांप्रदायिक बताया है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी सरकार अपना फैसला बदलेगी। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो महाराष्ट्र की सियासत भी उफान पर है। नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला चरम पर है। अजित गुट के कई नेता पहले से ही शरद खेमे में शामिल हो रहे हैं। अब बीजेपी को भी बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला तेज है। हाल ही में अजित गुट के 25 से ज्यादा नेताओं ने एक साथ शरद गुट की सदस्यता ले ली और अब एक और नेता के दल बदलने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। दरअसल अजित पवार खेमे के सदस्य और जुन्नार से विधायक अतुल बेंके ने शरद पवार से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद बेंके ने बयान देते हुए कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उनके इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अतुल बेंके भी अजित गुट को झटका देने की तैयारी में हैं। जल्दी ही वो भी शरद पवार के एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। अजित के खेमे में तो हलचल पहले से ही देखी जा रही है, लेकिन अब बीजेपी विधायक ने भी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है और शरद गुट में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता माधव राव किन्हालकर ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। शरद गुट में शामिल होने के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। किन्हालकर ने कहा कि मैं जिस भाजपा में शामिल हुआ था और जिस भाजपा को मैं आज देख रहा हूं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वे लोगों के मुद्दों के बारे में बात करते हैं, वे सिंचाई की भी बात करते हैं, लेकिन उनके काम राष्ट्रहित को नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोह को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने के पीछे भाजपा के बदले हुए चरित्र को कारण बताया। बहरहाल अगर ये सिलसिला कायम रहता है तो महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में शामिल तीनों ही दल बुरी तरह से बिखर सकते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल तीनों ही दलों के बिखरने की चर्चाएं तेज हैं, तो बिहार में भी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोदी सरकार के ही मंत्री के बयान को लेकर एक बार फिर एनडीए गठबंधन के टूटने की चर्चाएं तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। विपक्ष एनडीए गठबंधन पर हमलावर है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि एनडीए में केवल हाथ मिले हैं, दिल नहीं। तो क्यों टूटने की कगार पर पहुंचा एनडीए, क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एनडीए गठबंधन के टूटने की चर्चाएं तेज हैं। सहयोगी दलों को लेकर मोदी के ही मंत्री ने विवादित बयान दे दिया है और विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश में जुट गया है। दरअसल हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जब वो महागठबंधन में थे तो नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी पार्टी का विलय करने के लिए कहा था। मांझी ने बताया कि इससे इनकार करने पर उन्हें गठबंधन से बाहर जाने का फरमान दे दिया गया और कहा गया कि वो पार्टी कैसे चलाएंगे इसके लिए पैसे और लोगों की जरूरत होती है। मांझी ने आगे कहा कि अब उनकी पार्टी न सिर्फ चल रही है बल्कि दौड़ रही है और अपने बेटे के साथ ही वो भी केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। उनके इस बयान को नीतीश कुमार पर तीखे हमले के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि एनडीए ने इसका बचाव करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष इसे लेकर एनडीए पर ही हमलावर नजर आ रहा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए गठबंधन में दलों ने सिर्फ हाथ और गला मिलाया,
दिल अभी भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है और एक दूसरे को नीचे दिखाने में सभी दल लगे हुए हैं। गठबंधन के अंदर सिर्फ उठबल की स्थिति है और जल्द ही एनडीए की पार्टियों में भगदड़ मचेगी। विपक्ष तो लंबे वक्त से एनडीए के टूटने की बात कर रहा है, लेकिन अब मोदी के मंत्री भी गठबंधन के अंदर की स्थिति को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। मांझी के बयान ने विपक्ष के बयानों को मजबूत आधार दे दिया है। ऐसे में अब एनडीए गठबंधन कब तक एकजुट रहता है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीए गठबंधन की एकजुटता सवालों से घिर गई है, तो बांग्लादेश में छात्रों के घेराव के आगे प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी हार माननी पड़ी। बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की चपेट में है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन देश भर में उग्र रूप ले चुका है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या है ये फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा सरकारी नौकरियों में आरक्षण विरोधी आंदोलन लगातार हिंसक होता जा रहा है। हिंसा से हालात खराब होते जा रहे हैं। आए दिन आगजनी की खबर सामने आ रही है। जगह जगह पर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षण विरोधी आंदोलन ने अब हसीना सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया है। हालात पर काबू पाने के लिए सेना को उतारा गया है, कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इस मामले को लेकर बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश देते हुए देश भर में अशांति और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के बाद सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को कम कर दिया है। कोर्ट ने 93% सरकारी नौकरियों को योग्यता आधारित प्रणाली पर आवंटित करने का आदेश दिया। और अटॉर्नी जनरल एएम अमीन उद्दीन ने बताया कि सिविल सेवा की 5% नौकरियां स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों के बच्चों के लिए और 2% अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित रहेंगी। शेख हसीना ने हिंसा को देखते हुए अपना विदेश दौरा भी रद्द कर दिया। बता दें कि पुलिस को विरोध प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। बांग्लादेश में अब तक 133 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। छात्रों के आंदोलन पर काबू पाने में शेख हसीना असफल रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात पश्चिम बंगाल की सियासत की। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद से ही टीएमसी में उत्साह देखने को मिल रहा है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंच पर एक साथ नजर आए। रैली में दोनों ही नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल तेज है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस ने आज शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। रैली में कार्यकर्ताओं समेत लाखों लोग शामिल हुए। टीएमसी की रैली में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी शिरकत की। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक साथ मंच पर नजर आए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, बंगाल के लोगों ने बीजेपी से लड़ाई की और उन्हें पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। दिल्ली में सरकार में बैठे लोग कुछ दिनों के लिए ही सत्ता में हैं। वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अखिलेश का धन्यवाद करते हुए कहा, मैं समाजवादी पार्टी का अभिनंदन करना चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने जो खेल दिखाया है, मैं आपके साथ सहमत हूं कि दिल्ली में एजेंसी लगाकर, चुनाव आयोग को लगाकर जो सरकार लाई गई है वो स्थिर नहीं है, वो सरकार कभी भी जा सकती है। तृणमूल कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके 38% निर्वाचित सांसद महिलाएं हैं। चुनाव से पहले कई लोग राजनीति में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का दावा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। तो वहीं सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, जिन्होंने कहा था अब की बार 400 पार, वो 240 पर ही रुक गए। भाजपा के पास ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी सभी एजेंसियां हैं, लेकिन तृणमूल के पास जनता जनार्दन और तृणमूल कर्मी हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में एक तरफा जीत के बाद टीएमसी की ये पहली बड़ी रैली है। ममता बनर्जी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती हैं, जो 1993 में पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस द्वारा विरोध आंदोलन शहीद 13 लोगों की याद में मनाया जाता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।